प्रियंका गांधी जी के ऐतिहासिक 40% औरतों को टिकट देने के फैसले को लेकर कुछ टिप्पणियां करी। खैर, मैं आपसे कोई और उम्मीद भी नहीं करती थी। महिलाओं के राजनीति में भागीदारी को लेकर तो आप खुल शुरू से असहज रहे हैं। याद है जब आप सदन में थे तो आपने इसका पुरजोर विरोध भी किया था, सदन में आरक्षण का महिलाओं के लिए आपने लेख भी लिखे थे। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री बनने के बाद 60 लोगों का मंत्री परिषद है आपका, उसमें से एक भी औरत आपको कैबिनेट मंत्री के दर्जे की नहीं मिली। आपके मंत्रालय में 2 MOS है और 2 इंडिपेंडेंट चार्ज की मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, एक भी कैबिनेट मंत्री आपको नहीं मिला। आपकी जो टीम 9 या टीम 11 जो भी आप चलाते हैं उसमें भी एक भी महिला नहीं है। महिला इस देश की आधी आबादी है और आधी आबादी की शक्ति को नियंत्रित करने की आप बातें करते हैं, तो जो महिला विरोधी आपका एक व्यवहार है उसको खत्म करिए। और उल्टे मैं आपसे एक सवाल पूछती हूँ, कांग्रेस की विधायक दल की नेता महिला है, हमारी महासचिव इंचार्ज महिला है, हमारी अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी की महिला है, भाजपा में एक भी सशक्त महिला का चेहरा जरूर दिखाइएगा। पता है आपको, आप दिखा नहीं पाइएगा क्योंकि आपने नाम के लिए तो कुछ मंत्री बनाए हुए हैं केंद्र सरकार में, लेकिन वो सिर्फ रबर स्टैंप है। और मैं आपको ललकार कर बोलती हूँ, आपकी पुरजोर बड़ी सरकार है दिल्ली में, समर्थन है उसको आपके MPs का। अगर दम है तो 33% आरक्षण महिलाओं के लिए करके दिखाइए सदन में और विधानसभाओं में। अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो महिलाओं के लिए खोखले वादे मत करिए। आपको लगता है महिला का काम क्या है, सिर्फ एक सिलेंडर बांट देना। महिला अपनी भूमिका चाहती है, राजनीति में चाहती है, हर क्षेत्र में चाहती है, और उसके लिए हर अवरोध को तोड़ना पड़ेगा। और उसकी शुरुआत प्रियंका गांधी जी ने कर दी है। मुझे पता है वो सुगबुगाहट आपको असहज करती है, लेकिन कोई बात नहीं, तैयार हो जाइए, ये तो होकर रहेगा।